हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु और तिरंगा का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक खरोंच का दूसरा और अंतिम भाग। चूं और ठीक यही तुम्हारे साथ होगा। मौत बनकर चाहे सारा जमाना आए, बाल भी बाका हो नहीं सकता जो खुदा ना चाहे। उफ, मैं तो समझ रहा था कि मेरी ढाल के वार से इसके सिर पर मौजूद हथियार कट जाएगा। थड़ाक! तिरंगा के साथ ही परमाणु का प्रयास भी असफल हुआ। ओह, परमाणु छल्लों को अपने तक पहुंचने से पहले ही उसने खत्म कर दिया। सावधान परमाणु, इसके सामने पड़ना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सही कहा तिरंगा ने, और इसी के साथ मुझे सूझ गया इससे निपटने का उपाय। लेकिन उसके लिए मुझे अपनी बेल्ट का ये बटन दबा, यहाँ से ट्रांसमिट होगा। चीं चीं, उसके पीछे पहुँचना होगा और दबोचना होगा इसे अपने बाहुपाश में। अब बाकी का काम मैं कर देता हूँ। जैसे अपनी ढाल से इसके मौत उगलते हथियार को की बेल्ट को काटना, खट, और फिर उसे इसके सिर से उतार कर डस्टबिन में फेंकने के बाद इसके ऐसा घुंसा रसीद करना कि दादी नानी के साथ साथ इसकी जुबान पर इसके बॉस का भी नाम पता आ जाए। फड़ाक! ओह, मुझसे जो चाहते हो उसमें हरगिज सफल नहीं हो पाओगे तुम। इधर परमाणु और तिरंगा एक दूसरे से उलझ कर गिरे, और उधर मौका पाकर भाग खड़ा हुआ कैप्टन किलर। ये भी भाग खड़ा हुआ, लेकिन हमें इसके पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि औरों की तरह ये भी तड़प तड़प कर मर जाएगा। तो क्यों ना हम छुपकर इसका पीछा करें। इस बार दोनों को ये विश्वास था कि भागने वाले को पीछा किए जाने का आभास नहीं हुआ है। इस बार तो बेशर्तिया उसके अड्डे तक पहुँच जाएंगे। किंतु तभी तड़पा कैप्टन किलर और सड़क पर जा गिरा। बुरी तरह तड़प तड़प कर मरा। औरों को बेदर्दी से मार देने वाला मर्डर स्पेशलिस्ट। खरोंच आर्मी के सदस्यों का जैसा ही हम पीछा करते हैं, उसके बॉस को पता चल जाता है कि वह किसी खास यंत्र की सहायता से अपने साथियों को तड़पा कर मार डालता है। लेकिन उस बॉस को ये पता कैसे चलता है कि हम उसके आदमी का पीछा कर रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल यही है, लेकिन हमारी व्यवस्था है कि हम इसका जवाब नहीं ढूंढ सकते। पिछली बार जिस तिल जैसे काले धब्बे को मैंने तुम्हारे चेहरे के दाई तरफ देखा था, आज बाई तरफ कैसे पहुंच गया? तिल? मेरे तो कोई तिल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ओ माय गॉड, ये तो माइक्रो कैमरा है, अत्याधुनिक, एकदम तिल के आकार का। और ठीक ऐसा ही कैमरा तुम्हारे कंधे के पास तुम्हारे लिबास पर भी चिपका हुआ है। ओ, अभी कुछ देर पहले तुमने जो सवाल किया था उसका जवाब मिल गया परमाणु। इन मिनी कैमरों की बदौलत ही खरोंच आर्मी का बॉस अपने साथियों पर नज़र रखे हुए था। जैसे ही हम उनका पीछा करना शुरू करते हैं, हमारे शरीर पर लगे कैमरे के जरिए उसे आदमी दिखने लगते हैं। बॉस वह समझ जाता है कि पीछा शुरू हो गया, और ऐसा समझते ही वह किसी तरह उन्हें मार डालता है। और ये कैमरे उसके साथियों द्वारा ही हम तक पहुंचते हैं। वे लड़ते लड़ते इन्हें हमारे शरीर से ऐसी सफाई से चिपका देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। तभी परमाणु का हैरत में डूबा स्वर गूंजा। उफ, इस तरह तो वह हमारे असली जीवन तक भी पहुंच गया होगा। नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि हम अपना काम होते ही अपने हीरो वाली पोशाक पर अपने रोजाना के कपड़े पहन लेते हैं, और उसके नीचे ये कैमरे बेकार हो जाते होंगे। इसी बात से लगता है कि खरोंच आर्मी का बॉस कितनी आला दर्जे की बुद्धि का मालिक है। अपने तक पहुंचने के सभी रास्ते उसने बंद कर दिए हैं। सभी नहीं, अभी एक रास्ता खुला है। कौन सा? जल्दी बताऊंगा। वहां से रवाना हुआ तिरंगा कुछ ही देर बाद शहर के इस बंगले में नजर आ रहा था। इसी बंगले में कहीं मिलेंगे मुझे वे सबूत जिसकी मुझे ज़रूरत है, लेकिन क्या मैं उन्हें ढूंढने में सफल हो पाऊंगा? ठक ठक! ओ, बाहर से किसी के कदमों की आहट। कोई इसी कमरे की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल मेरा उसकी नज़र में पड़ना ठीक नहीं, इसलिए मुझे टॉयलेट में घुस जाना चाहिए। वाह, इतना धांसू टॉयलेट बना रखा है, एकदम ऐसा जैसे किसी राजा महाराजा का टॉयलेट हो। हर चीज़ इम्पोर्टेड, चारों तरफ लगी शीशे सी चमकती टाइल्स, कीमती वॉश बेसिन, और ये सिंहासन नुमा शानदार कमोड। लेकिन मखमल में टाट के पैबंद की तरह कमोड से ये पतला नायलॉन का धागा क्यों बंधा हुआ है? जिज्ञासावश तिरंगा ने वह नायलॉन का धागा खींच लिया। अरे, इस धागे के खींचने के साथ ही कमोड में से एक पॉलीथीन की थैली भी खिंचाई। इसका मतलब इस थैली को खास तौर पर धागे से बांध कर कमोड में डाला गया था, और ऐसा कोई तभी करेगा जब उसे कोई अत्यंत गोपनीय चीज़ छुपानी हो। इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, इसे धोने के बाद खोलकर देखना होगा। पॉलीथीन की थैली को धोकर तिरंगा ने उसे खोला, और जो चूज इसमें से बरामद हुई उसे देखकर अचंभित रह गया। सिर्फ इस फोटो को छिपाने के लिए इतने सुरक्षित स्थान का इस्तेमाल किया गया था, जबकि इस फोटो की एक कॉपी को मैं ब्रजबिहारी के घर पर देख चुका हूँ। नहीं, ये फोटो वो फोटो नहीं है।
हालांकि इसमें दिख रहे लोगों के शरीर के प्रत्येक अंग का एक्शन उस फोटो जैसा है, लेकिन जहां उसमें दाऊद इब्राहिम जीपी सिंह, ब्रज बिहारी और बब्बन यादव थे, वहीं इसमें मौजूद है जीपी सिंह, अवैध हथियारों का विक्रेता अदनान खागोशी, दाऊद इब्राहिम और अमेरिका माफिया डॉन मास्त्रोनी। लेकिन इनके एक्शन उन जैसे क्यों हैं? आया समझ में। जो फोटो मैंने पहले देखा था वो इस फोटो की वह कॉपी थी जिसमें ट्रिक फोटोग्राफी करके अदनान खागोशी और मस्त्रोनी के चेहरे की जगह ब्रज बिहारी और बप्पन यादव के चेहरे लगाए गए थे। दाऊद और जीपी सिंह के चेहरे इसलिए पहले जैसे ही छोड़ दिए गए ताकि देखने वाले समझे कि दाऊद से संबंध के चक्कर में ही उन तीनों नेताओं की हत्याएं हो रही हैं, जबकि असलियत में उनका हत्या करने वाला है लेबर पार्टी का मुख्य नेता जीपी सिंह। ओह, ठीक पहचाना तूने तिरंगा, ये मैं ही हूँ। ना ना, हिलना नहीं, वरना मेरा सुंदर टॉयलेट तुम्हारे खून से गंदा हो जाएगा। तू एकदम ठीक समझा। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया हूँ। विश्व के हर बड़े अपराधी के साथ मेरे घनिष्ठ संबंध हैं। ब्रज बिहारी और बब्बन यादव भी मेरे ही कुत्ते थे, लेकिन ज़्यादा ही भौंकने लगे थे, इसलिए मैंने इन दोनों को अपने रास्ते से हटाने के लिए खरोंच आर्मी की मदद ली। इससे मुझे डबल फायदा होने जा रहा था। मुझे ब्लैकमेल करने वाले दोनों कुत्ते भी खत्म हो रहे थे और चुनाव में मुझे सांत्वना लहर भी मिल रही थी। कोई मुझ पर शक ना करे इसलिए मैंने अपने पर भी झूठा हमला करवाया, और इसी झूठे हमले की वजह से हम तुम तक तुझ तक आ पहुँचे। कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है तुझे, लेकिन पाप के पाँव पर खड़ी कुर्सी इस तरह नीचे से निकल जाती है, कड़ाक। लेकिन नीचे से कुर्सी निकल जाने के बाद भी तेरे जैसा आदमी कभी कभी हवा में ही बैठा रह जाता है इस तरह। ओह ओह सॉरी, इस तरह नहीं, इस तरह। मुझे सीधा करके नीचे उतारो, मुझे वर्टिगो की बीमारी है, इस हालत में मैं मर जाऊँगा। तुझ जैसे देश के दुश्मनों की जान इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली। वर्टिगो एक ऐसी बीमारी होती है जिसका मरीज जमीन से कुछ ही फुट की ऊंचाई से भी घबराता है। तभी पुलिस सायरन। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। ये हमारा नहीं, कानून का अपराधी है। आओ हम चलें। थड़ा, तुम यहाँ पहुँचे कैसे? तुम्हारा पीछा करके। लेकिन अब तुम बताओ कि तुम्हें जीपी सिंह पर शक कैसे हुआ? नेता जीपी सिंह पर हमला करने वाले हमलावरों के हथियारों में नकली गोलियां भरी हुई थी। नकली गोलियां? क्या मतलब? मेरा लाश बनकर गिरना और फिर जिंदा हो जाना कोई चमत्कार नहीं था। मुझसे टकराने वाली गोलियां नकली थीं, जिनके धक्के से मैं कुछ पलों के लिए नीचे गिर गया था और सभी ने समझा मैं मर गया। इसी बात ने मुझे जीपी सिंह के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। कुछ ही देर बाद दिल्ली में स्थित विश्वविख्यात लोटस टेम्पल के पास मौजूद थे दिल्ली के दोनों रखवाले। नेता जीपी सिंह भी हमें खरौंच आर्मी के हेडक्वार्टर व उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया, जबकि मैं उसे अंधेरे में एक किरण के समान समझ रहा था। अंधेरे में किरण? लगता है तुम्हारे शब्दों ने मुझे खरौंच आर्मी का पता बता दिया है। क्या मतलब? मेरे साथ चलो, मतलब अपने आप समझ जाओगे। जल्दी उस इमारत को देखकर बताओ तिरंगा कि उसमें तुम्हें कोई खास बात नजर आती है। कुछ खास नहीं, इमारत के दीवार पर रंग बिरंगे टाइलों से बने एक डिज़ाइन के सिवा जैसे शायद आकाश में चमकती बिजली नहीं, खरोंच के निशान का आभास होता है। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने, यही हो सकता है खरोंच आर्मी का हेडक्वार्टर। मान गए परमाणु, ऊँचे उड़ते हो और वाकई ऊँची चीज़ हो। परमाणु, तिरंगा, ये दोनों यहाँ कैसे आ पहुँचे? लेकिन यहाँ आकर इन्होंने अपनी मौत को दावत दी है, क्योंकि ये नहीं जानते कि जनरल खरोंच को अपने दुश्मनों को घेर कर मारने में ही मज़ा आता है। पलटन नंबर 2-3 अटैक। देश की रक्षा के लिए निकलते हैं जो रख कर जान हपे हथेली पर, कहाँ लिखा होता है उनका नाम गद्दारों की गोली पर। लिखा भी होगा तो क्या होगा, होगा तो वही जो मंजूर है खुदा होगा। वाह परमाणु भाई, क्या शेर मारा है। ये सब तुम्हारी संगत का कमाल है तिरंगा प्यारे। लो, इसी के साथ हमने चित कर दिया अपने दुश्मन सारे। इसी के साथ जनरल खरोंच को अपनी विचारधारा बदल देनी पड़ी। इस तरह मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। अब मुझे अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना ही होगा, परमाणु और तिरंगा के विरुद्ध। बिजली की तरह चलते परमाणु और तिरंगा के हाथों को रोक दिया उनसे अलिपटी मजबूत बेलों ने, जिसे परमाणु बहुत अच्छी तरह से जानता था। रक्षा, तुम जो तबाही मचा रहे हो उसे रोकने मुझे आना ही पड़ा। ओह, तो तुम खरोंच आर्मी के संरक्षक हो, उन्हें किसी भी खतरे से बचाने वाले सबसे बड़े हथियार। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम कभी अपराध के रास्ते पर नहीं चलोगे, फिर क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है परमाणु, लेकिन मेरे पास है
और वह ये कि पाप की दौलत को अपना ईमान समझने वाला व्यक्ति किसी भी गलत रास्ते पर चल सकता है। थड़ा तिरंगा का कहना सही है वृक्षा, तुम जैसे 7 जन्म तक भी नहीं सुधर सकते। थड़ा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ ये मैं तुम्हें समझाना तो चाहता हूँ परमाणु, लेकिन इसके लिए समय नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे वार करने से फुर्सत है और ना तुम्हें बचने से। जबरन खनौज का आदेश है कि मुझे तुम्हें मात देनी है हर हाल में, चाहे इसके लिए मुझे अपनी वृक्षा शक्ति का एक एक कतरा ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। उफ आह, बेलों के उस ढेर ने ना सिर्फ परमाणु और तिरंगा को बेबस किया बल्कि अपना कसाव बढ़ाकर उनकी नसों में बहते खून के बहाव को रोककर उन्हें बेहोश भी कर दिया। लेकिन सिर्फ इन्हें बेहोश करने से काम नहीं चलने वाला वृक्षा, मैं चाहता हूँ कि नहीं यमराज के पास भी तुम ही पहुँचाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। जनरल खनोज की बेदंकी काम कर गई, तन गए वृक्षा के हाथ बेहोश परमाणु और तिरंगा को मात देने के लिए। अब बस वृक्षा के हाथों से विषैले फल छूटने भर की देर थी, और इतनी ही देर थी परमाणु और तिरंगा की बेहोशी को मौत की नींद में बदलने में। लेकिन वृक्षा के हाथों से छूटे विषैले फलों के निशाने यह सिद्ध कर रहे थे कि उसने अपना इरादा ऐन मौके पर बदल दिया था। वृक्षा, जनरल खरोंच की चीख पर गुर्राता हुआ पलटा वर्षा, तुम जो चाहे कर सकते हो खरोंच, लेकिन मैं परमाणु और तिरंगा जैसे देश प्रेमियों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। तुम मेरी आर्मी के सबसे बड़े हथियार हो, इसलिए मुझे तुम्हारी ज्यादा भी पसंद है। रही इन दोनों की बात तो मैं इन्हें अपने हाथों से अपने तरीके से मारूंगा, तड़पा तड़पा कर। लगभग एक साथ ही वापस लौटे परमाणु और तिरंगा के होश। ओह, जनरल खरोंच ने हमें कैद कर लिया है। खरोंच के हेडक्वार्टर में प्रोफेसर की फ्रिक्वेंसी काम नहीं कर रही होगी, वरना मेरी हालत देखकर वह ज़रूर मुझे ट्रांसमिट कर लेते। उफ, बंधन इतने मजबूत है कि मैं टस से मस नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे हेडक्वार्टर में चूहे की तरह कैद दोनों दत्ते देशभक्तों का जनरल खरोंच स्वागत करता है, लेकिन कुछ देर बाद तुम्हारा स्वागत करेगी मौत। वैसे तुम दोनों को मौत देने में मुझे ज़्यादा मज़ा इसलिए आएगा कि तुम अपने आप को देश के रखवाले समझते हो, और अपने आप को देश का रखवाला कहने वाला हर शख्स मेरा दुश्मन है, क्योंकि मेरे चेहरे पर तुम जो लंबी खनौज का निशान देख रहे हो ये उन्हीं की देन है। मैं खुद तुम्हारे तरह देश का रखवाला बनना चाहता था। बचपन से ही मुझे फ़ौजी युद्धों के बारे में सुनना पढ़ना अच्छा लगता था, तभी से मैं फ़ौजी बनना और देश के लिए लड़ने के सपने देखता था। जिसका जनरल हूँ मैं। दोस्तों, इसमें 54th पेज गायब है, और हर कॉपी देख ली लेकिन सब में 54th पेज गायब है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका जनरल हूँ मैं, जनरल खरोंच, तुम जैसों का दुश्मन, और मैंने इंतज़ाम किया तुम दोनों को तड़पा कर मारने का। उस बिल्लेनुमा यंत्र से जो तुम दोनों की छाती पर लगा हुआ है, जिसके चालू होते ही तुम तड़प उठोगे ऐसे। तड़पो, खूब तड़पो, तब तक तड़पो जब तक यमराज तुम्हें अपने पास ना बुला लें। उफ, कितना मजबूर हूँ कि मैं चाह कर भी परमाणु और तिरंगा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ ही पलों में मौत परमाणु और तिरंगा का मुकद्दर बन जाएगी। अरे ये क्या हुआ, अचानक ये दोनों सामान्य क्यों नजर आने लगे, और एकाएक वातावरण सर्द क्यों हो गया है? बर्फ के भारी टुकड़े इसका मतलब आ पहुंची है मैडम कोल्ड। होश में आते ही तुम्हारे बनाए कैद खाने की सलाखों को अपनी ठंडी आग से पिघलाकर मैं यहां पहुंची हूं। खत्म कर डालो इसे। अब तक अपनी शैली की वजह से मजबूर वृक्ष अब तुम पर कहर बनकर बरसेगा। शैली ही मैडम कोल्ड है, जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स मैडम कोल्ड वृक्षा। दोनों ही कॉमिक्स चैनल पे अपलोड हैं, और आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मैडम कोल्ड को छू जाए ऐसी गोली अभी दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं बनी। वैसे भी हमारी जान बचाने वालों को आँच भी आए ये हमें मंजूर नहीं। हम उन चारों के आगे कहाँ टिक पाती, अब उन चारों के आगे कहाँ टिक पाती खरोंच आर्मी और जनरल खरोंच। जन्ना खरोंच को बेहोश करने के बाद मैडम कोल्ड वृक्षा की तरफ पलटा परमाणु, तुम दोनों ने हमारी सहायता की, इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार मैं तुम दोनों को भागने नहीं दूंगा। अब हमें भागने की ज़रूरत भी नहीं, हम स्वयं को कानून के हवाले करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि अब हमने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। जिस लड़की के एक्सीडेंट की वजह से तुम दोनों खरोंच गैंग के पीछे लगे, वह लड़की मेरी छोटी बहन थी। उसकी हालत देखकर मेरा खून उबाले मारने लगा। मैं मैडम कोल्ड बनकर उस ड्राइवर को सजा देना चाहती थी, लेकिन उससे तुम लड़ रहे थे। अचानक मैंने ड्राइवर के साथी को एक तरफ झाड़ियों में भागकर छिपते देखा। मैं तेज़ी से उधर ही लपकी, और ये देखकर हैरान रह गई कि वो और कोई नहीं सुदेश था,
मेरा प्रेमी वह सुदेश जिसे हालात ने वृक्षा बना दिया था। सुदेश आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। उफ, अपनी आंखों से यह सब देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब सच्चाई जानने के लिए मैं सुदेश के पीछे चलती। मैं पूरी तरह सुदेश के ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए सुदेश के पीछे खरोंच आर्मी के हेडक्वार्टर में प्रवेश करती हूँ मैं अतिरिक्त सावधानी नहीं बरत सकी। फलस्वरूप फड़ा, उस वार ने मेरी चेतना छीन ली। अब जाकर मेरी बेहोशी टूटी थी और फिर खुद आज़ाद होकर मैं तुम्हारी मदद को वहाँ पहुँची। मेरी बेहोशी के बीच क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। मुझे पता है, दरअसल जनरल खरोंच मेरा भाई है। मेरी नज़र में वह एक बिजनेसमैन था जो घरों दफ्तरों की सुरक्षा के लिए आधुनिक डिवाइस बनाने और बेचने का बिजनेस करता था, और उसके आग्रह पे वे सभी डिवाइस मैं बनाया करता था। लेकिन उस लड़की के एक्सीडेंट ने मेरे भाई की पोल और मेरी आंखें खोल दी। मैं स्तब्ध था कि अब तक एक गलत आदमी के हाथों की कठपुतली बना हुआ था। सब कुछ देखकर मैं गुस्से से भरा स्पष्टीकरण लेने अपने भाई खरोंच के पास चल दिया। मेरे पूछने पर उसने सब कुछ बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। तब तुमने मेरे और देश के साथ धोखा किया है खरोंच, मैं तुम्हें इसकी सज़ा दे कर ही रहूँगा। दे लेना, जितनी सारी सज़ा दे लेना, लेकिन पहले इधर तो देख लीजिए भाई साहब, मेरी होने वाली भाभी मर जाएगी बेचारी अगर तुमने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया तो। शैली के लिए, उसके साथ काम करने के लिए ही नहीं, तुमसे लड़ने और तुम्हें मौत के मुंह में पहुँचाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इस बात का मुझे सख्त अफसोस है। अफसोस की कोई बात नहीं वृक्षा, तुमने जो किया वह सही था। आओ अब चलें, जनरल खरोंच को भी अपने साथ लें। चलो, अरे अभी तो यहीं बेहोश पड़ा था, जनरल खरोंच कहाँ चला गया? ओ, हमारी बातों का फ़ायदा उठाकर वह किसी तरह यहाँ से भाग निकलने में सफल हो गया। और फिर शैली उर्फ मैडम कोल्ड और प्रोफेसर सुदेश शेरा उर्फ वृक्षा को जेल पहुँचाने के बाद, परमाणु, मैडम कोल्ड की बहन की परवरिश का जिम्मा लेकर तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम्हें अपराधियों से नहीं अपराध से नफरत है। हाँ, और इस अपराध को खत्म करने के लिए हमें एक सच्चे प्रहरी की तरह सदा जुटे रहना है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स कांच का परमाणु में। तब तक के लिए धन्यवाद।